Okay, fine. So now already we have seen the ANSYS workbench. Okay, so during the ANSYS workbench lecture, we have discussed so many things actually. So basically, each and everything about the फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस. ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि कोई अगर एक प्रॉब्लम अगर मुझे सॉल्व करना है, किसी भी चीज़ का अगर मुझे एक एनालिसिस अगर करना है, इन दैट केस व्हाट आई हैव टू डू इज आई कैन गो फॉर मेनियर मेथड्स. ओके, सो अर्लियर वी हैव डिस्कस दैट वी आर यूजिंग द एनालिटिकल मेथड. ओके, सो बेसिकली इन एनालिटिकल मेथड व्हाट वी आर डूइंग इज दैट इज अ कन्वेंशनल मेथड. सो इन दैट वी आर कंसिडरिंग द कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओवर देयर बाय अप्लाइंग द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन दैट पर्टिकुलर दैट प्रॉब्लम ओवर देयर और वॉट एवर द मॉडल इज देयर. सो ऑन दैट वी विल बी अप्लाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, एंड वंस वी अप्लाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वॉट वी आर डूइंग इज वी आर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी आर फाइंडिंग आउट द आंसर्स ओवर देयर. ओके, सो वी हैव डिस्कस दैट थिंग, बट नाउ वॉट इज द प्रॉब्लम विद दैट? नॉट द प्रॉब्लम, बट देर आर सर्टन लिमिटेशंस ऑन दिस. ओके, सो बेसिकली वॉट आर दोज लिमिटेशन? सो बेसिकली यू वेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाई यूजिंग एन एनालिटिकल मेथड, एट दैट टाइम वॉट हैपन, इट विल टेक सो मच टाइम. ओके, बिकॉज वेन एवर देर आर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ओके, एट दैट टाइम इट विल टेक सो मच टाइम इन द कैलकुलेशन. ओके, एंड या दैट इज अ मेन थिंग. सो दैट वॉट वेन एवर देर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यू will it will take a little bit more time. So that was a earlier problem for us. Okay, and when we talk about the result discussion, okay, so results के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, उस time पे हम लोग ने ये चीज को एक understand किया है कि during the analytical method, okay, you cannot predict what is the behavior of the that particular object. मतलब एक पूरे object के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो पूरे object में कैसा है कि like स्ट्रेस है या फिर जो भी हम लोग को फाइंडिंग करना है, तो ऑल ओवर द ऑब्जेक्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हर एक पॉइंट पे या फिर हर एक लोकेशन पे क्या वैल्यू है, सो दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट. ओके, सो फॉर दैट अगेन वी हैव टू डू द मल्टीपल कैलकुलेशन. सो बेसिकली दैट वॉज अ प्रॉब्लम ऑकर्स विद द एनालिटिकल मेथड. ओके, सो दैट्स वाई वॉट वी हैव डन इज लाइक टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव कम अप विद अ न्यू थिंग और अ न्यू सॉल्यूशन. दैट पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस. ओके, सो इन फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस वी हैव सीन दैट लाइक वॉट एवर द प्रॉब्लम्स यू आर कंसिडरिंग फॉर द एनालिटिकल मेथड, द सेम प्रॉब्लम वी विल बी कंसिडरिंग, बट इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, वॉट आई विल डू इज आई टेक दैट आई मीन आई विल कंसिडर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बट आई विल डिवाइड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन टू मल्टीपल पार्ट्स. ओके, एंड दैट पार्ट्स आर कॉल्ड एज अ एलिमेंट्स ओवर देयर. ओके, सो बेसिकली वी आर जनरेटिंग एलिमेंट्स, वी विल बी कंसिडरिंग एनी वन ऑफ द एलिमेंट, एंड देन आफ्टर दैट वॉट वी आर डूइंग इज वी आर एनालाइजिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, एंड वॉट एवर द रिजल्ट वी आर गेटिंग वी आर अप्लाइंग इट ऑन द कंप्लीट ऑब्जेक्ट और वी आर इंटीग्रेटिंग दोज रिजल्ट ओवर द होल डोमेन एंड वी आर गेटिंग अ results over there. So basically that was a finite element analysis method. Okay, and one more method that we are using actually. Okay, so basically this finite element analysis is there, so that is applicable for the structural application. I mean for a design applications you can go for a finite element analysis, like vibration is there, then stress analysis is there, fatigue analysis, buckling analysis, in all types of analysis you can go for a finite element analysis. Okay, but when it comes to the fluid flow problems, okay, any fluid mechanics problem, heat transfer problem, chemical reactions and all that, whenever all these things are included over there, so there is certain limitation with the finite element analysis, and even finite element analysis cannot solve these types of problems. Okay, so in that case we have a come up with a new thing or a new solution, and that is called as a computational fluid dynamics. Okay, in short we are calling it as a CFD. Right, now basically what is the difference between these two? Okay, I mean you will ask like, okay, for analytical method we have gone for two different options, like finite element analysis and computational fluid dynamics. Okay, now what is the difference between these two? Ek to maine ye bola tha ki like, okay, depending on the application it will be changing, but application is the secondary, but there is a primary difference between these two. Okay,
Now, what is the primary difference between these two? Okay, so whenever you are using that finite element analysis, okay, whatever the discretization is there, or what we can say the meshing, जो मैंने elements के बारे में बोला कि elements को divide करना जो है, okay, so basically जो finite, देखो finite element में भी हम लोग element divide करते, and even in CFD also we are doing the same thing, okay, so now what is the difference between these two? So whenever we are considering finite element analysis, in that case we are considering the mesh as a 2D, मतलब जो elements हम लोग consider करते हैं ना, so that will be the एरिया मेशिंग और 2D मेशिंग वहाँ पे रहता है. वेयर एज जो फाइनाइट वॉल्यूमेट्रिक मेथड, आई मीन CFD जो है ना, इसको फाइनाइट वॉल्यूमेट्रिक मेथड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं बेसिकली, और मेशिंग जो भी आपका है बेसिकली, दैट विल बी इन द 3D फॉर्म, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में रहता है. ओके, सो यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में यू विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ द एरिया, ओके, 2D हम लोग बोल सकते हैं. Whereas in CFD, you will get the meshing in the terms of the volume, okay? So that's why most of the time in CFD, we are considering the volumetric meshing over there, okay? So this is the majorly basic difference between these two. And as I said earlier that, okay, what is the use of the CFD? So what is the use of CFD? That is used for the normally heat transfer problems, the fluid flow problems, all these problems if you want to solve. In that case, we can use the CFD over there. Okay. Fine. Now, we will see like what is exactly CFD, what is the thing and all that. So, this was all about the historical, or what we can say, the background about the CFD. Okay. Basically. Okay. Now, we will be discussing about what is the meaning of the CFD. Okay. What are the applications of the CFD. Okay. And then few fundamentals of the fluid mechanics that we will be seeing. Then after that, we will see the procedure. I mean, applications first we will see. And then after that, we will see the procedure to solve any problem by using the CFD. Basically, today it will be a theoretical session. We are not starting any ANSYS and all that in today's session. Okay, basically it will be a complete theoretical session, and from next lecture onwards I'll be starting with the ANSYS Fluent. So basically actually how we can use all the options that we will be seeing in the next lecture basically. So now what I'll do is I'll start with the CFD. Okay, now what is the meaning of the CFD? Okay, now computational fluid dynamics is a science of predicting the fluid flow, heat and mass transfer, chemical reactions and related phenomena by solving numerically the set of governing mathematical equation. Okay, so matlab CFD ke bare mein agar kisi ne aapse pucha ki what is the meaning of CFD, so basically you can see that the computational fluid dynamics is what? It is a science of predicting what? The fluid flow, koi bhi flow, fluid rahega to uska flow dekhna hum log ko, heat and mass transfer applications, matlab heat transfer as well as mass transfer applications, the chemical reactions, okay, and any other phenomena which will be involving the release of energy or gaining of energy, whenever any form of energy you can consider over there. So if any form of energy comes into the picture in your analysis, at that time the CFD will comes into the picture. Okay, so basically that is a CFD over there. Okay, now what are those different governing mathematical equations? Matlab even FEA mein abhi hum log kya karte, we are solving different equations. So it's like step bar ka hum log ne kiya tha wahan pe, the truss problems. Okay, so basically har ek ka wahan pe the governing differential equation tha, har ek governing differential equation se hum log ne kya kiya, so basically we have found out the matrix equation, that is the element matrix equation hum log ne already discuss kiya hua hai, and even in the FEA we have solved that particular thing. Okay, so likewise yahan pe bhi hum log kya karte, we are using a governing differential equation. Okay, so major pehle ek cheez aur bata deta hu ki dono mein difference, matlab difference nahi bol sakte hum log, but yahan pe wahan pe FEA mein hum log ne differential equations and all that dekha tha, partial differential, yahan pe kya hai? तो यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी यू विल गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन. इफ यू गो टू द बेसिक्स, इफ यू गो टू द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द CFD, इन दैट केस यू विल सी दैट देयर विल बी ऑल द इक्वेशंस, व्हाटएवर यू हैव लर्न ड्यूरिंग योर फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके, द हीट ट्रांसफर,
all the things it will be remain same. So the, all the differential equations will be as it is. Okay, just what we have done is we have converted it into the matrix form over there, so that we can easily solve that particular problems. So likewise in FEA, here also we have converted the differential equations in the form of the matrix over there. Okay, now what are those differential equations? I mean, what are those governing equations? So the first is nothing but the conservation of mass. The second is conservation of momentum, the conservation of energy, the conservation of species, okay, multi-species and all that, and effect of body forces. Okay, so basically drag and lift and all these forces that we can consider over here. Okay, so conservation of mass, the momentum, okay, the fluid flow problem rahega, so it will be a momentum mass transfer here, so in that case it is a conservation of mass. If there is a thermal, I mean heat transfer is involved in that, temperature and all that involved in that, then we will go for this conservation of energy. Conservation of species, mainly it will be the combustion of gases and all that. Okay, so basically this hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon dioxide and all that, all this analysis. So for that we will go for a species, and the effect of body forces, that is a drag and lift and all. Okay, so basically these are the different forces or different governing equations that we can consider in the CFD over there. Okay, now what these results of CFD analyze, or why we are using this thing, are how these are relevant in our actually within study. So basically it is useful in the conceptual studies of the new design. Okay, so basically whenever you are doing any conceptual design over there, whenever you are going for any conceptual studies over there, in that case it will be very helpful to find out or predicting all the results, because conceptual mein kaisa hota hai, we are not developing that particular state over there. Okay, in that case it is a very useful. The detailed product development, so whenever you are developing all the products, in that case everything will be there, it will be there, so you can analyze all these things and all the results will be with you, so that you can predict the behavior of that particular thing. Troubleshooting, if there is any issue, if there is any problem with any kind of applications over there, in that case you can identify those problems, okay, and you can rectify those problems over there. So with the help of CFD you can do it over there. Then the redesign, that is according to the analysis, what you can do is you can redesign your system, okay, as we have already discussed during the finite element analysis, that redesign and all that. So all these terms you can do by using the CFD analysis over there. Okay, sure. So this is all about the CFD. Okay, yeah, the CFD analysis complement testing and experiments by reducing the total effort and the cost required for the experimentation and data acquisition. Actually what happens, you know, is like aap bologe ki finite element analysis mein hum log kya karte, chalo theoretical calculation bhi hum log karte, matlab analytical methods se hum log kar sakte ya fir experimentally check kar sakte, to CFD mein kaise hum log usko experimentally check karenge. Okay, so there are multiple ways for that. Pehle jo rehta hai, that is आप लोग का ये रहता है विंड टनल. ओके, सो विंड टनल टेस्टिंग एक रहता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको चेकआउट करना है, सी एफ डी एनालिसिस करना है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर अ विंड टनल, आप उसमें चेक कर सकते हो. बट अगेन देर विल बी अ प्रॉब्लम विद दैट कि जो भी सेटअप एंड ऑल दैट है ना, उसका कॉस्ट है ना बहुत ज़्यादा जाता है कंपेरेटिवली. एंड द सेकेंड थिंग इज नथिंग बट अ थेरोटिकल कैलकुलेशन. थेरोटिकल कैलकुलेशन इज अगेन टीडीएस, बिकॉज यहाँ पे कैसा है, जो भी हम लोग के डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, तो और ही मतलब थोड़ा इट इज अगेन कॉम्प्लेक्स सेट, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे भी अगेन देयर आर सर्टेन लिमिटेशन. सो दैट्स व्हाई CFD इज वन ऑफ द बेस्ट टूल. आई मीन दिस बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर बेसिकली, दैट इज अ वन ऑफ द बेस्ट टूल बिकॉज इट हैज अ लेस कॉस्ट. ओके, एंड इफ यू गो फॉर एक्यूरेट थिंग्स, आई मीन इफ यू provided the accurate inputs over there, in that case whatever the results you are getting, so that will be more accurate. Okay, so that is the best thing about the CFD analysis by using any what we can say, the software over there. We will discuss about that again, but I just mujhe laga ki just bata deta aap logo ki like how we can test all these things. So basically there are three methods: the calculational, the wind tunnel,
and the CFD by using any software over there. Simulation, it is there. So simulation is the one of the best thing over there. Okay. Now we'll discuss about the applications. Okay. Yeah. We will discuss about all these things like CFD, how it works, and all that. Okay. But basically, we will be talking about the applications. Okay. And few of the fundamentals we will be seeing over there. Okay. Because those are not included in the PPT. So basically. जस्ट नॉर्मली मैं डिस्कस कर लेता हूँ देन फिर हम लोग एप्लीकेशन एंड ऑल दैट देखते हैं एंड फिर हम लोग ये मेथडोलॉजी के टाइम पे अगेन आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर दिस पीपीटी. ओके चलो नाउ एप्लीकेशन क्या है तो जैसे हम लोग ने बोला था कि फ्लूड फ्लो प्रॉब्लम्स है हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम है हीट एंड मास ट्रांसफर प्रॉब्लम एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन कंसिडर ओवर दैट. तो एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो अगर एक कोई व्हीकल है अगर ओके तो व्हीकल अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर जा रहा है तो व्हाट आर द एरोडायनामिक इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर व्हीकल सो दैट यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द सीएफटी. हम लोग नेक्स्ट इसमें एक ऐसे ही जस्ट देखेंगे एक कार का एरोडायनामिक्स कैसे फाइंड आउट एंड ऑल दैट करते हैं. सो एक्चुअली दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट स्टिल आई विल शो यू लाइक हाउ वी कैन डू इट. ओके जस्ट आई वॉन्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट सी एफ डी तो दैट्स वाई वो हम लोग एक देखेंगे इसमें. ओके तो बेसिकली दैट यू कैन कंसिडर एज एप्लीकेशन ओवर देयर देन एयरक्राफ्ट फ्यूसलेज के बारे में अगर हम लोग को एनालिसिस करना है सो इन दैट केस यू कैन डू इट देन वॉट यू कैन से द फ्लूड इन द पाइप फ्लूड फ्लो इन द पाइप अगर रहेगा सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट थिंग सो दैट अगेन यू कैन डू इट ओवर देयर. There are multiple applications of the CFD over there. Okay, so one by one we will see all the applications. Okay, chalo now sorry, we will be discussing about okay a few applications. Just say bata deta hu, theek hai. What you can do is you can use this CFD in the military organizations for the development of the weapons and estimate the damage over there. So that you can do it over there. Then designers of the vehicle aerodynamic characteristics जैसे मैंने बोला. Then chemical engineers use कर सकते हैं इसको because to study the chemical reactions and all that. Then in medical applications again you can use it जैसे blood flow and all that है अगर उसके बारे में अगर हम लोग को जानना है so again that you can use. So there are multiple there are so many domains available where you can use the CFD. Okay. Fine. Any doubt so far? Chalo. Now we will be talking about the fundamentals of the fluid mechanics. Okay. Few terms are there. We will be discussing those terms because those are very much important for us. Okay. So obviously the fluid mechanics ke bare mein baat karte hai, to obviously terms ke bare mein baat karte hai, to sabse pehle definition ke bare mein baat karna bahut important hai. So basically what is the fluid mechanics? The fluid mechanics is the branch of applied mechanics that is concerned with the static and dynamics of the liquid and the gases. Okay, so basically fluid mechanics is what? There is a branch of applied mechanics that deals with the what? The static and the dynamic conditions of the liquid over there. Okay, so if you want to study the liquid and gases, so in that case you can predict the behavior and all that. So you can do the analysis of the behavior depending on the different laws over there. So jaise hum log ne bola ki loss of conservation of mass energy momentum and all that, so you can use all this basics behind that. Okay, now the first term that we will be discussing that is nothing but the fluid. Okay, now what is a fluid? The fluid is a substance that may flow. Okay, so in other words we can say that any substance which will be having a ability to flow. Okay, so that particular substance is called as a fluid over there. Okay, now fluid, whenever we are considering the fluid, okay, so in fluid we are considering both the things, that is the liquid as well as gas. Okay, so whenever it comes for the fluid, don't say that ki fluid is a liquid. No, fluid mein dono bhi cheez aati hai. The fluid mein aapka liquid bhi aayega as well as gas aata hai, but wahi cheez agar kisi ne specific liquid agar bol diya, in that case it is restricted to the liquid over there. Okay, so basically fluid is what? Basically fluid is
any substance which will be having an ability to flow. Okay, so that is called as a fluid over there. Then, what are the properties of the fluid basically, right? So the first is nothing but the density. Now, what is the density is there? The density is the ratio of mass of a given amount of substance to the volume it occupies. Okay, so if in simple language, if we talk about it, the density is nothing but the ratio of mass of a or whatever the substance is there, uska jo bhi mass rahega, upon the volume it occupies. Okay, so m upon v, that gives the formula for the density, and the density it is represented by the rho over there. Okay, and density is one of the important parameter whenever we are considering the fluid flow problems. Matlab jab hum log fluid mechanics problem ya phir CFD mein jab hum log solve karenge, at that time this will be the very important property that a fluid should be having. Okay, now the next thing is nothing but the compressibility. Compressibility is means what? The degree of compressibility of a substance is characterized by the bulk modulus. Okay, is given by uska formula directly diya hua hai. This k is equal to, that is a bulk modulus or bulk modulus of elasticity is nothing but delta p upon delta v upon v. Okay, whereas delta p is nothing but the small increase in the pressure applied on the substance. Okay, then delta v is nothing but there is a decrease, obviously decrement, because p v is equal to mrt or p v is equal to nrt. So we can say that pressure and volume are inversely proportional. So if there is an increment in the pressure, then there will be a decrement in the volume over there. So that delta v, it is nothing but the change in volume, and v is nothing but the original volume. I'll write down the equation so that you will be able to understand what is the compressibility. Compressibility k is equal to delta p upon delta v by v, sorry. Okay, this is nothing but change in pressure, this is nothing but, that is decrement in the volume, and this is original volume. Okay, so if you have all the three things, you can calculate the compressibility, or what we can say, the bulk modulus of elasticity, so that you can calculate from this formula. Okay, fine. And it is a negative actually, that is a minus. Okay, then the next is nothing but the surface tension. Now what is the meaning of surface tension? Surface tension is the surface force that develops at the interface between two immiscible, the liquids, or the between liquid and the gas, or at the interface between the liquid and the solid surface. Okay, so basically surface tension is what? It is nothing but it is the surface force. Okay, and ye surface force kiske kiske beech mein rehta hai? So basically do fluids ke beech mein, do liquids ke beech mein, or between the liquid and the gas, as well as the liquid and the solid surface. So in ke beech mein jo bhi surface force rahega, so that will be referred as a surface tension over there. Okay, then the sorry, the next thing is nothing but the viscosity. Okay, now what is the meaning of viscosity? Can anybody tell me? Resistance to flow. Yeah, exactly. Or in other words, we can say that it is the internal stickiness of the fluid. Okay, so either resistance to flow you can say that, or it is nothing but that it is the internal stickiness of the flow over there. Okay, then the next thing is nothing but the kinematic viscosity. The kinematic viscosity is defined as the ratio of absolute viscosity to the density. Okay, so this kinematic viscosity is represented by nu. Okay, and uska jo formula hai, that is nothing but nu is equal to mu, that is the viscosity, mu is equal to mu upon the rho. Okay, the density, the absolute viscosity
to the density. So that ratio gives the kinematic viscosity. Okay. Then what is the meaning of pressure? Because pressure is again more important. So this slide मध्ये नाही आहे actually, हे वेगळं आहे त्याच्यामुळे मी हे करतोय. चलो, what is the meaning of the pressure? Yeah, that is a force upon area. So, yeah, exactly. Right. So basically, we can say that it is the ratio of force and the area. So it will be represented by F upon A over there. Okay. Chalo, so this was all about the different definitions and the different properties of the fluid over there. Okay. Now the next thing is nothing but the equation of state. Basically, all these things we have studied in the thermodynamics. Okay. So again, we will we'll see that particular concept because that is more important in the study of this CFD or whenever we are solving any fluid flow problems. For whatever the CFD problems, at that time it will be very much important. Okay, so हम लोग ने एक concept देखा था that ideal gas. Okay, so ideal gas में हम लोग ने एक equation consider किया था. So ideal gas मतलब क्या है? It will be having a perfect मतलब molecules जो रहेंगे, there will be the tiny molecules. Okay, these are the perfectly elastic molecules, and it will be having a random motion between them. Okay, so basically अगर ऐसा है सो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर गैस इज कॉल्ड एज अ द परफेक्ट गैस और वी कैन से द आइडियल गैस ओवर देयर. ठीक है. एंड हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग ने ये चीज देखा था कि अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, तो अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट इज द फॉर्मूला. ओके, तो बेसिकली द फॉर्मूला इज व्हाट दैट पीवी इज इक्वल टू एमआरटी. ओके, this pressure volume is equal to mass, R is a gas constant, universal gas constant, and T is nothing but the temperature. So sometimes we can see that sometimes it will be like this, that PV is directly proportional to the temperature. Normally ye equation hum log consider karte hain, PV is directly proportional to T over there. एंड फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाना है, इन दैट केस वी विल ऐड द मास. ओके, बिकॉज द मास इज नॉट गोइंग टू बी चेंज फॉर एन आइडियल, इन एनी केस ऑब्वियसली द मास इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, सो दैट विल रिमेन्स द कॉन्स्टेंट. सो दैट कॉन्स्टेंट वी हैव एडेड ओवर हियर एंड द आर इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट वी हैव एडेड ओवर हियर. दैट्स वाई दिस इक्वेशन विल बिकम दैट दैट पी वी इज इक्वल टू एम आर टी और पी वी इज इक्वल टू NRT. ओके, सो अगर मास दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर मोल्स में अगर नंबर दिया है तो उस टाइम पे इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एन ओवर देयर. सो यू कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ओवर देयर. तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाता है देन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज बिकॉज दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेयर एज प्रेशर एंड वॉल्यूम दोज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो दैट्स वाई वेन द प्रेशर विल बी इंक्रीज द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, and when the volume will be increased the pressure will be decreased, so because there is a inversely proportionality. Okay, chalo, now thoda aur baat karte hain hum log kuch equation iske bare mein, just processes ke bare mein, and then again aage ka part hum log dekhte hain. Theek hai, now you have studied all the thermodynamic process. Okay, out of that the first one is nothing but the isothermal process. Now what is the meaning of isothermal process? Temperature remains constant. Yeah, exactly. Then what is adiabatic process? PV raised to gamma is equal to C means
what is constant and all that? हाँ हेलो या ओके एंड व्हाट इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस देन? किसमें? ओके देर इज नो हीट ट्रांसफर एडियाबेटिक में. देर इज नो हीट ट्रांसफर इन द एडियाबेटिक एंड आइसेंट्रोपिक में द हाँ एंड एडियाबेटिक में क्या हो जाता है, सॉरी आइसेंट्रोपिक में क्या हो जाता है, इट इज एक्चुअली एडियाबेटिक. मतलब एडियाबेटिक एंड आइसेंट्रोपिक हम लोग ऑलमोस्ट सेम कंसिडर करते हैं बिकॉज देर इज नो हीट जनरेशन. मतलब नॉर्मली जब हम लोग देखो कोई भी साइकिल्स कंसिडर करते हैं, नॉर्मली हम लोग का जो कार्नोट साइकिल है या फिर ऑटो साइकिल हम लोग जब कंसिडर करते हैं, ओके सो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे देर इज नो एडिशन ऑफ हीट. ओके मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ हीट कोई और एक्सटर्नल सोर्स नहीं है बट स्टिल वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ओवर देयर. सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसेंट्रोपिक. सो मीन्स सिंपली द एंट्रोपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड एंट्रोपी इज वॉट, देर इज नो एडिशनल हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड. जस्ट अ मिनट. There is no heat generation. Actually, adiabatic and isentropic, these are also called as a, I mean, those are also same. The adiabatic process, which is also reversible, is called as an isentropic process. Okay, so actually that is, both the things are actually same because there is no heat transfer involved in that. Okay, so that's why that is called, either you can call it as an adiabatic or you can call it as a the isentropic process. Fine. So these are the different equation of the state. So I mean, it is PV is equal to MRT or PV is equal to NRT and the different processes associated with that. Okay.
Sure. Now, we will talk about the usage. I mean, what are the applications of the or usage of the CFD, and then again I'll come back to this one. Okay. So basically, या फिर हम लोग यूसेज के बारे में लास्ट बात कर लेते हैं, पहले ये इसके बारे में हम लोग पूरा बात कर लेते हैं, सो दैट इट विल बी अ बेनिफिशियल थिंग. ओके, नहीं ये कर लेते हैं डिस्कस. ओके, द यूसेज ऑफ द सी एफ डी. नाउ कहाँ कहाँ पे हम लोग सी एफ डी को यूज कर सकते हैं? सो बेसिकली यू कैन यूज इट इन द प्रोसेस इंडस्ट्री, द मिक्सिंग ऑफ वेसल्स, द केमिकल रिएक्टर्स, वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं. बिल्डिंग सर्विसेज में यूज कर सकते हैं, जैसे वेंटिलेशन एंड ऑल दैट है. हेल्थ एंड सेफ्टी में द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ फायर एंड स्मोक. देन मोटर इंडस्ट्री, मतलब हम लोग का जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर कम्बशन मॉडलिंग, जिसमें एक मल्टी स्पीसीज करके रहता है तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर स्पीसीज करके रहता है तो उसमें कम्बशन ऑफ गैसेस का हम लोग कर सकते हैं. वेर एज कार एरोडायनामिक्स, सो दैट यू कैन फाइंड आउट ओवर देयर. इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग कर सकते हैं, तो बेसिकली हीट ट्रांसफर विद इन द सर्किट बोर्ड्स. एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है, पोल्यूटेंट्स इन द एयर एंड वाटर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो. देन पावर एंड एनर्जी में हम लोग कर सकते हैं, लाइक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्बशन प्रोसेसेस. एंड मेडिकल में हम लोग कर सकते हैं, दैट इज अ ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स. तो अगर ये सारे एप्लीकेशंस के लिए अगर हम लोग को यूज करना है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर अ सीएफडी एप्लीकेशन. ओके, चलो. सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद द सीएफडी ओवर देयर. ओके, अब सीएफडी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो सीएफडी में कैसा होता है? इट इज अ सॉल्वर बेस्ड ऑन द फाइनाइट वॉल्यूमेट्रिक मेथड. तो मैंने जैसे इनिशियली बोला था कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस और फाइनाइट एलिमेंट मेथड, एंड दिस इज फाइनाइट वॉल्यूमेट्रिक मेथड, बिकॉज इन दिस कंडीशन और इन दिस पर्टिकुलर सीएफडी वी आर कंसिडरिंग द सेट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम्स. तो यहाँ पे हम लोग 3D या फिर हम लोग पूरा वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. Whereas in FEA we are considering the elements over there, मतलब 2D या फिर जो हम लोग एरिया जहाँ पे हम लोग बोलते हैं, सो एरिया मेशिंग या फिर एरिया कंट्रोल एरियाज हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या इक्वेशंस है, दैट अनस्टेडी फ्लो इक्वेशन, द कन्वेक्शन, द डिफ्यूजन एंड द ग्रिड जनरेशन. ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओवर देयर. सो वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सी एफ डी, दीज आर द फोर इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस दैट विल बी सॉल्व ड्यूरिंग एनी ऑफ द प्रोसेस. मतलब जैसे एप्लीकेशन रहेगा उस हिसाब से ऑल दिस इक्वेशंस विल बी यूज्ड ओवर देयर. ओके, तो कैसा होता है पता है, हम लोग जब सॉल्व करते हैं ना, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑब्वियसली इट विल बी देयर. ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हम लोग सॉल्व मतलब यूज होगा ही बाई डिफॉल्ट. देन द मोमेंटम हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दैट एक्स मोमेंटम, वाई मोमेंटम एंड जेड मोमेंटम, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यू वी डब्ल्यू. ये ना चीजें हम लोग को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब हम लोग यूज करेंगे, एट दैट टाइम रेसिडुअल में हमेशा ये चीज आपको दिखेगा, दैट मोमेंटम एंड ऑल दैट. ओके, एंड वेन एवर वी आर टर्निंग ऑन द एनर्जी इक्वेशन, मतलब जब थर्मल प्रॉब्लम जहाँ पे टेम्परेचर एंड ऑल दैट कम्स इन टू द पिक्चर, एट दैट टाइम दिस एनर्जी इक्वेशन विल कम इन टू द पिक्चर, एंड दिस वेरिएबल एच इट विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर रेसिड्यूल. ओके, सो बेसिकली दिस इज अबाउट, आई मीन दिस इज द मेजर वर्किंग ऑफ द सी एफ डी, मतलब कौन से इक्वेशंस यूज होते हैं एंड वॉट आर द डिफरेंट टर्म्स दैट आर दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस थिंग, और वॉट वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज इन दिस थिंग. ओके, सो बेसिकली दोज आर लिस्टेड ओवर हियर. ओके, चलो. सो नाउ वी नाउ दिस इज वी हैव ऑलरेडी, आई मीन दिस वॉज ऑल अबाउट द सी एफ डी बेसिक्स, लाइक सी एफ डी में क्या है, कैसा है, वॉट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स एंड ऑल दैट, प्रॉपर्टीज है फ्लूड एंड ऑल दैट. सो सारे बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग ने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग किया. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल मेथडोलॉजी. ओके, बिकॉज दिस मेथडोलॉजी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड फ्लूड में जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, एट दैट टाइम अगेन मेथडोलॉजी भी हम लोग वहाँ पे भी यूज करेंगे, बट एट दैट टाइम थोड़ा सा मेथडोलॉजी वहाँ पे चेंज हो जाएगा. बट नाउ इन दिस केस आई यूज द सेम मेथडोलॉजी. जस्ट 1 मिनट. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेथडोलॉजी. ओके, सो बेसिकली व्हाट शुड बी द मेथडोलॉजी दैट वी हैव टू यूज. ओके, अगेन द सेम थिंग, ऑल द थ्री प्रोसेसेस दैट विल बी इन्वॉल्व ओवर द, आई मीन थ्री स्टेप्स इट विल बी देयर.
the pre-processing, processing part, and the post-processing. Okay, but here we have modified what we can say the process little bit. Okay, pre-processing, solving, या फिर जो भी processing part है and the post-processing, all the things are there. But what we have done is we have added the problem identification. Okay, so basically you can see the block over here, that is a problem identification. Then the pre-processing is there, the solving and the post-processing part. So what is there in the problem identification? So basically you have to define your goals depending on the problem, okay, depending on your application. Okay, हम लोग को जो भी analysis करना है. So first identify your goal, what exactly you want to find out. Okay, कौन सा पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है, जस्ट आइडेंटिफाई दोज थिंग. ओके, आइडेंटिफाई द डोमेन, इन विच डोमेन यू हैव टू डू द एनालिसिस, बिकॉज देयर आर मल्टीपल डोमेन्स इन्वॉल्व्ड इन दिस. द सेम प्रोसीजर वी कैन अप्लाई फॉर द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस. ओके, देयर ऑल्सो वी आर आइडेंटिफाइंग ऑल द गोल्स एज वेल एज वी आर आइडेंटिफाइंग द डोमेन्स, बिकॉज देयर आर मल्टीपल डोमेन्स इन्वॉल्व्ड इन दैट, द स्ट्रक्चर एनालिसिस, द वाइब्रेशन एनालिसिस, बकलिंग. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू सिलेक्ट योर डोमेन ओवर देयर, इवन नॉट इन द नॉट ओनली देयर, हियर इटसेल्फ अगेन. ठीक है, then the pre-processing. So in pre-processing we will be considering the geometry. Okay, so whatever the physical problem is there, that you have to consider. The meshing, that is the discretization, the dividing the given domain into number of small subdomains, okay, or number of elements. The physics means the boundary conditions. Okay, so whatever the boundary conditions associated with that particular problem, we will use that thing. Okay, then solver setting. Now this is one of the important thing, like which type of solver you want to use. We will be talking about the solver in the later on stages, in the coming lectures, basically in the next one, next to next lecture, we will be discussing about all this. Actually throughout this course we will be talking about different solvers, because there are multiple solvers available. So with that you can do it over there. Theek hai, once all these things have been set up, so you can solve these things, you can go for a compute solution, so you can solve that particular problem. And once the solution is done, you can examine the results. So that is nothing but your post-processing part. Okay, so basically this is a what we can say the generalized methodology, or what we can say the methodology, or what we can say hum log ek approach jo bhi use karenge. Okay, basically procedure hum log jo bolte, so it is there. Okay, सो वन बाय वन एक हम लोग जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं कि लाइक क्या क्या है. सो जैसे मैंने अभी एक जैसे दिया मैंने ओवरव्यू, बट स्टिल वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट इट. ओके, सो फर्स्ट इज नथिंग बट डिफाइनिंग योर गोल्स. सो एज आई सेड दैट वी नीड टू डिफाइन द गोल्स. ओके, सो दिस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इन दैट दिस डिफाइनिंग योर गोल्स. सो नाउ इन डिफाइनिंग गोल्स वॉट यू आर एग्जैक्टली लुकिंग. ओके, तो सिंपली कैसा होता है, हम लोग कुछ क्वेश्चन वहाँ पे कैसा है कि खुद ही पूछेंगे और खुद ही आंसर ढूंढेंगे. ओके, सो द फर्स्ट इज नथिंग बट व्हाट रिजल्ट्स आर यू लुकिंग फॉर. ओके, तो मतलब आप लोग को एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है, द प्रेशर ड्रॉप है, मास फ्लो रेट है, या फिर और कुछ है, एंड हाउ दे विल बी यूजफुल फॉर यू. ओके, और हाउ विल दे यूज टू बी यूज. सो ये चीज हम लोग को फाइंड आउट करने की, क्या क्या फाइंड आउट करना है और उसका यूज हम लोग कैसे करने वाले. तो बेसिकली दैट विल बी देयर इन योर identification of the goals. Okay, so what are your modeling options, what physical model will be included in your analysis. So aapko kaun sa model yahan pe include karna hai, what simplifying assumptions do you have to make, kuch assumptions aapko make wahan pe use karna hai kya, aur bhi assumptions hai, that is symmetry and ye rehte, to hum log dekhenge kya hota hai ek ek cheez. तो कैसे आपको करना है, बेसिकली मॉडल कौन सा कंसिडर करना है, उसको कैसे सिंपल वे में उसको रिप्रेजेंट करना है, एंड ऑल दैट. सो दैट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट ओवर देयर. देन व्हाट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड. ओके, तो आपको कितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए. सो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग जो आगे का सेटिंग्स एंड ऑल दैट है, नॉट ओनली द सोल्यूशन के बारे में, बट जो सॉल्वर्स है, फिर फिजिक्स कंडीशन एंड ऑल दैट है, तो उसके हिसाब से इवन मेशिंग जो रहेगा हम लोग का, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इसके बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे. हाउ क्विकली डू यू नीड द रिजल्ट्स, क्योंकि ये दो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इसके ऊपर है ना आपका पूरा मेशिंग डिपेंडेंट रहता है. क्योंकि कैसा होता है, कभी कभी हम लोग का एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो उस टाइम पे हम लोग मेशिंग नॉर्मली रखते हैं, बट जहाँ पे क्या है कि टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट,
एक्यूरेसी इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब मेरे को एक्यूरेट फाइंड आउट करना ही है. इन दैट केस यू विल बी फॉरगेट अबाउट द टाइम, सो अकॉर्डिंगली यू विल सेलेक्ट द टाइप ऑफ मशीन, द टाइप ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ इटरेशन एंड ऑल दैट. सो वो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे. ओके, सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट दोज आंसर्स अगेन. एंड ए सी एफ डी इज एन अप्रोप्रिएट टूल, तो मतलब जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, जो पर्टिकुलर गोल है आपका, तो वहां तक पहुंचने के लिए सी एफ डी अप्रोप्रिएट टूल है कि नहीं, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है. नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपने गोल सेट कर दिया सब कुछ, एंड देन आफ्टर दैट आपको समझा कि यार सिर्फ इसमें क्या फाइंड आउट करना था, तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना था. टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो वाई शुड आई गो फॉर सी एफ डी, आई कैन डू इट बाई यूजिंग द एंसिस वर्क बेंच, मतलब FEA के साथ भी हम लोग कर सकते हैं. तो फिर ये भी आइडेंटिफाई करना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्स. द सेकेंड थिंग इज नथिंग बट द आइडेंटिफाई द डोमेन यू विल बी मॉडल. ओके, सो डोमेन मतलब क्या है कि जैसे हम लोग देखो सिस्टम एंड सराउंडिंग कैसे कंसिडर करते हैं. तो सिस्टम मतलब क्या है, द एरिया विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो भी पार्ट रहेगा, सो वट एवर द विच इज कम्स अंडर द ऑब्जर्वेशन. ओके, सो लाइक वाइज यहाँ पे भी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा डोमेन आपको क्या करना है कि वहाँ पे टारगेट करना है. ओके, सो बेसिकली डिपेंड रहता है कि कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्टेड है. तो मुझे अगर जो भी एरिया में, जैसे अभी यहाँ पे अगर मुझे करना है तो मैं ज़्यादा ध्यान इस पर दूंगा, ये जो भी मेरे बाकी के पार्ट्स है इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा. ओके, सो दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग्स. सो वेयर विल बी द कंप्यूटेशनल डोमेन बिगिंस एंड एंड, मतलब कहाँ पे उसको स्टार्ट करना है एंड कहाँ पे एंड करना है, बिकॉज वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे डोमेन्स इंपॉर्टेंट रहते हैं कि इनलेट कौन सा है, आउटलेट कौन सा है, वॉल कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करके पहले ही स्पेसिफाई करनी होती है. यहाँ पे एंसिस वर्कबेंच जैसा नहीं है, द मेथडोलॉजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट ओवर हियर. ओके, सो यू नीड टू फाइंड आउट दोज थिंग्स, वेयर शुड आई स्टार्ट एंड वेयर शुड आई एंड ओवर देयर. ठीक है, and can it be simplified or approximated as a 2D or axis symmetry problem. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 3D problem है ना, it will take so much time. Obviously 3D है तो it will be taking so much time. तो उसको हम लोग ये चीज़ करके देखेंगे, मतलब understand करेंगे कि अगर मैं इसको 2D में या फिर अगर axis symmetry में अगर मैं solve करता हूँ तो will it be okay or not. Okay, क्योंकि 2D में अगर मैं solve करने जाऊँ ना तो मेरा प्रॉब्लम है ना थोड़ा जल्दी से सॉल्व हो जाता है. नॉट इन ईच एंड एवरी केस, हाँ समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. ओके, मैंने एक बार जस्ट किया था, आई जस्ट शेयर दैट एक्सपीरियंस, डरा नहीं रहा, डोंट वरी. एंड मतलब 3D ऑब्जेक्ट का ही करना था, सो आई सेड ओके इंस्टेड ऑफ 3D आई विल गो फॉर अ 2D. सो मैंने 2D लिया, एक्सिस सिमेट्री टाइप ऑफ प्रॉब्लम लिया, एंड देन आई सेड कि ओके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. एंड अराउंड 8-10 डेज हो गया, मेरे रिजल्ट ही नहीं आ रहे, मतलब मेरा दिमाग लिटरली ख़राब हो गया था. फिर बाद में मैंने बोला कि चल जान दे, सीधा मैंने 2D का छोड़ ही दिया. मैं बोला छोड़ो 3D पे ही देखते हैं. एंड 3D में जैसे ही सॉल्व किया, विद इन द 1 डे, मतलब जो भी मेरे डिजायर्ड सारे रिजल्ट थे, मेरे ख्याल से आई वॉज हैविंग अराउंड 7-8 केसेस कुछ तो थे, तो सारे के सारे सॉल्व भी हो गए 3D के साथ में. वही चीज़ 2D में एट दस दिन सर पटका तो भी वो हुआ नहीं था. तो वो एक चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है कि अगर हैज़ पॉसिबल तो ही करो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द 3D ओवर दैट. सो बेसिकली यू हैव टू गो फॉर दिस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. तो उसमें ये दो चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट वहाँ पे फाइंड आउट करोगे. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द प्री प्रोसेसिंग पार्ट. ओके, सो प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले द जियोमेट्री. सो वॉट एवर द मॉडल इज देयर, जो भी आपका फिजिकल मॉडल रहेगा, जो भी आपका फिजिकल प्रॉब्लम रहेगा, सो फॉर दैट उसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो ज्योमेट्री वहाँ पे कंसिडर करना है. ठीक है, तो फ्लुएंट में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली CFD में, तो जो भी हम लोग ज्योमेट्री ना एकदम सिंपल वे में हम लोग उसको कंसिडर करते हैं. तो जैसे अभी ये देख रहे हो यहाँ पे, ये मेरा ओरिजिनल CAD पार्ट है और ये मैंने जो एक्सट्रैक्टेड फ्लूइड रीजन है, मतलब जहाँ से मुझे पता है कि मेरा फ्लूइड पास होने वाला है, तो वही मैं वहाँ पे कंसिडर करूँगा. ठीक है, सो इसके लिए फिर ये देखो एक्सट्रैक्टेड यहाँ पे, एंड यू कैन सी दैट दिस इज़ वेरी सिंपल. एंड एक्चुअली हम लोग फ्लुएंट में जब सॉल्व करते या फिर जो भी CFD एनालिसिस करते, एट दैट टाइम हम लोग यही चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि दैट जो भी मेरा फ्लूइड रीजन रहेगा, जो भी मेरा ज्योमेट्री रहेगा, इट शुड बी वेरी सिंपल. एंड एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलने जाएंगे तो इट शुड बी
सिंगल ऑब्जेक्ट, एक पूरा एक बॉडी रहेगा, इट विल बी अ बेटर। मल्टीपल बॉडीज को मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करो। ओके, सो आपका ज्योमेट्री रहेगा इट शुड बी वेरी सिंपल, जितना आप सिंपल उसको कर सकते हो। एंड जो भी अननेसेसरी फीचर्स है जैसे फिलेट्स है, पोल्स है, ये सब चीज़ें हैं ना, तो इसको निकाल दो। सो दैट विल बी अ बेटर। ओके, एंड अगर इफ पॉसिबल है, अगर 3D प्रॉब्लम है, सिमेट्री अगर प्रॉब्लम है, तो सीधा उसको हाफ सेक्शन में कट कर दो एंड जस्ट अप्लाई द सिमेट्री। तो उससे क्या है कि आपका जो एक्यूरेसी है, मतलब कैसा होता है कि मेशिंग आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर 1000 साइज का अगर प्लेट है, ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी ये FEA में देखा था कि 1000 बाय 400 mm का अगर प्लेट है, ओके, इन दैट इफ आई गो फॉर अ 2.5 का मेशिंग, अगर इन दैट केस इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, बट वही चीज अगर मैं वो पर्टिकुलर प्लेट का 1/4 पोर्शन लेके अगर सेम एलिमेंट्स के साथ अगर काम करता हूँ, इट विल टेक हार्डली 1.5, आई मीन हार्डली टेक इट इल 90 सेकेंड्स। ओके, 1.5 मिनट हम लोग को लगा था। और वही चीज 2D में सॉल्व करने के लिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब साइज ऑफ एलिमेंट्स में, इट टुक हाफ ऑफ द मिनट। सो 30 सेकेंड्स में इट वॉज डन। सो यू कैन सी दैट कि कहाँ पे 10 मिनट्स वही सॉल्व होने के लिए विद द सेम एक्यूरेसी आई गॉट द रिजल्ट्स इन द 90 सेकेंड्स। ओके, 90 to 2 मिनट्स, चलो 2 मिनट पकड़ के चलते, तो 2 मिनट्स में। एंड वही चीज 2D में हम लोग करते हैं, तो इट टेक्स अराउंड हाफ ऑफ द मिनट। सो एट अराउंड 30 सेकेंड्स, 30-40 सेकेंड्स में वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड इफ यू कंपेयर द रिजल्ट्स, यू विल गेट द सेम थिंग। ओके, सो दैट्स वाई यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, यू नीड टू डिसाइड दोज थिंग्स लाइक हाउ आई कैन अप्रोच। ओके, देन द नेक्स्ट वन दैट इज द मेशिंग। सो मेशिंग में मैंने जैसे बोला कि जो गोल है, नाउ डिपेंडिंग ऑन द गोल आपका मेशिंग डिसाइड होता है। अगर एक्यूरेसी मैटर है, यू गो फॉर अ मेशिंग, मतलब हायर मेशिंग। अगर नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर ना एनी अदर मेशिंग। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स है। 2D की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्राइंगुलर मेशिंग एंड द क्वाड्रिलेटरल मेशिंग, ओके, ट्राई मेश एंड क्वाड मेश। वेयर एज 3D के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, द टेट्राहेड्रॉन, हेक्साहेड्रॉन, पिरामिड एंड प्रिज्मेटिक, दीज आर द डिफरेंट मेशिंग दैट आर अवेलेबल। ओके, तो इसमें से कैसा होता है कि जो भी आपको चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी यू कैन सिलेक्ट ओवर दैट। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द सेटिंग ऑफ द फिजिक्स। ओके, तो मतलब क्या है कि हम लोग को बाउंड्री कंडीशंस एंड ऑल दैट वहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो बेसिकली यू विल डिफाइन द मटेरियल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फ्लूड है, सॉलिड है या फिर मिक्सचर है, सो दैट यू हैव टू गिव इट ओवर देयर। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिजिकल मॉडल, तो आपको कौन सा फिजिकल मॉडल चाहिए। तो अगर फ्लूड फ्लो है तो लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, तो टर्बुलेंट फ्लो में भी अगेन और मॉडल्स भी रहते हैं, तो कौन सा मॉडल यूज करना है आपको। कंबशन प्रॉब्लम्स है तो हम लोग स्पीसीज यूज करते हैं। मल्टी फेज है तो मतलब दो फ्लूड का मिक्सिंग अगर हो रहा है तो वहाँ पे मल्टी फेज एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो देर आर मल्टीपल फिजिकल मॉडल, डिपेंडिंग ऑन योर टाइप ऑफ एनालिसिस यू विल सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल ओवर देयर। देन प्रिस्क्राइब द ऑपरेटिंग कंडीशन, वॉट शुड बी द ऑपरेटिंग प्रेशर एंड ऑल दैट। सो ऑल द ऑपरेटिंग कंडीशन यू नीड टू डिफाइन ओवर देयर। प्रिस्क्राइब बाउंड्री कंडीशन एट ऑल द बाउंड्री जोन्स, सो मतलब पहले ही हम लोग बाउंड्री जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहले से ही डिसाइड करते हैं, इनलेट कौन सा है, आउटलेट कौन सा है, इनलेट में क्या कंडीशन चाहिए, आउटलेट में क्या कंडीशन चाहिए, ऑल दिस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग ओवर देयर। मतलब पूरा पहले ही सॉरी डिसाइड कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल पुट ओवर देयर। तो प्रेशर चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ओके, या फिर और कुछ चाहिए, सो दैट यू कैन गिव इट ओवर देयर। ओके, प्रोवाइड द इनिशियल वैल्यू और द प्रीवियस सॉल्यूशन, मतलब या तो आप इनिशियल वैल्यू दे सकते हो जो भी वैल्यू रहेगा उसका, या फिर आप जो भी प्रीवियस सॉल्यूशंस रहते हैं तो आप उसका केस एंड डेटा सेव कर सकते हो। सो दैट मतलब देखेंगे हम लोग ये सॉल्व करते टाइम पे, तो बेसिकली दैट यू कैन सी इट ओवर देयर। तो आप दोनों में से जो भी यूज करना है यूज कर सकते हो। देन सेटअप में सॉल्यूशन कंट्रोल, सॉल्वर कंट्रोल्स, कैसे कौन सा सॉल्वर कंट्रोल आपको चाहिए, प्रेशर बेस या फिर डेंसिटी बेस चाहिए, तो वो भी आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ओके, इवन और भी सॉल्वर्स रहते हैं उसमें। ओके, तो वो भी हम लोग देखेंगे कौन से हैं। एंड देन द सेटअप द कॉन्वर्जेंस मॉडल। अब यहाँ पे कैसा है पता है, FEA में वी आर सॉल्विंग द पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर ओनली वन इटरेशन। ओके, एक बार इटरेशन करते दैट्स इट,
बट यहाँ पे सिंगल इटरेशंस पे काम नहीं चलता है, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मल्टीपल इटरेशंस में काम चलता है, बिकॉज एक्यूरेसी इज मोर इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। ओके, तो इसके लिए फिर हम लोग मल्टीपल इटरेशंस देते हैं, एंड मल्टीपल इटरेशंस में जितना हम लोग रेसिडियल मतलब हम लोग का जो जितना एरर हम लोग कम कर सकते हैं, तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग, तो जितना हो सके हम लोग उसको कम करते हैं। ओके, सो बेसिकली वो कॉन्वर्जेंस मॉडल आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो यू कैन इजिली डिफाइन दोज थिंग, तो वो भी देखेंगे हम लोग, ये सब चीज़ें देखेंगे एक एक एक, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू ना, तो जैसे हम लोग ये सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या क्या है इसके अंदर एंड हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, फाइन, देन द नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द सॉल्विंग। ओके, सो सॉल्विंग मतलब क्या है कि एक बार आपने सारे कंडीशंस एंड ऑल दैट दे दिए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसको प्रिसाइजली या फिर उसको सॉल्व करना है। नाउ जो भी सॉल्विंग का जो भी मेथड है, जो भी सॉल्विंग जो प्रोसीजर है, दैट इज द प्योरली ऑटोमेटिक। ओके, सो मतलब उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट सेटअप द नंबर ऑफ इटरेशंस, कितने नंबर ऑफ इटरेशंस आपको चाहिए एंड द सॉल्यूशन विल बी ऑटोमेटिकली स्टार्टेड। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज होता है, दैट कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके, तो बेसिकली कैसा होता है कि अगर आपने कोई इटरेशन दे दिया, इटरेशन में कैसा होता है कि हर एक इटरेशन के बाद में इट विल चेक आउट द रेसिडियल। ओके, तो अगर रेसिडियल कैसा है कि अगर रेसिडियल मैंने जो भी जो सेड या फिर जो भी मेरा एक पर्टिकुलर जो रेंज दिया है पर उसके नीचे आया अगर पर्टिकुलर वैल्यू, देन जो सॉल्यूशन है मेरा तो वो पूरे सारे इटरेशन सॉल्व नहीं करेगा। ओके, इट विल बी स्टॉप ओवर दैट। ओके, तो मतलब क्या है कि अगर मैंने 100 इटरेशन दे दिए बट जो मुझे रेसिडियल का वैल्यू मैंने दिया था कि हाँ मेरा रेसिडियल वैल्यू ये रेंज में आना चाहिए, इसके नीचे अगर आ गया तो मेरा जो सॉल्यूशन है दैट इज एक्यूरेट। तो अगर 60 या 67 पे ही अगर मेरा रिजल्ट अगर आ जाता है, मतलब जो रेसिडियल वैल्यू अगर मेरा वो पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, इन दैट केस व्हाट आई विल से मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो सॉल्यूशन है दैट विल बी एग्जिट, मतलब ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा परमानेंटली, दैट विल स्टॉप। ओके, एंड आपका जो भी रिजल्ट रहेगा सो इट विल बी देयर, राइट। तो वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली क्या है वो। तो ये आपका रेसिडियल ग्राफ रहता है, तो इटरेशन वर्सेस ये रेसिडियल ग्राफ, और ये आपके सारे वेरिएबल्स है, कंटिन्यूटी, मोमेंटम, एनर्जी। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स इट विल बी देयर, के इप्सिलॉन करके रहते हैं नॉर्मली, टर्बुलेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, सो ऑल द थिंग्स इट विल बी देयर। एंड फाइनली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू द एग्जामिन द मॉडल और एग्जामिन द रिजल्ट्स ओवर देयर। सो व्हाट एवर द रिजल्ट्स वी आर गेटिंग, हम लोग उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, उस रिजल्ट्स को जनरेट करेंगे एंड उसको हमेशा क्या करते हैं, आइदर यू कैन प्लॉट इट इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्टूर्स ओवर देयर। तो कॉन्टूर में जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो कैसा होता है, इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पे वेलोसिटी का इफेक्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट है, देर आर एक्चुअली मल्टीपल व्हाट वी कैन से द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन दैट रिजल्ट्स। जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हो, तो आप उसको या तो कॉन्टूर फॉर्म में ले सकते हो, या तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में ले सकते हो, स्ट्रीम लाइन्स फॉर्म में ले सकते हो, तो जैसे आपको चाहिए ग्राफ्स एंड ऑल दैट, प्लॉट्स एंड ऑल, तो वैसे सॉर्ट ऑफ आप उसको एग्जामिन कर सकते हो रिजल्ट्स को। ओके, सो बेसिकली दिस इज अ ओवरऑल मेथडोलॉजी फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग द CFD मेथड। आई होप दिस इज क्लियर। इज देयर एनी डाउट? फाइन, चलो देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। ये एक दो जस्ट देखते हैं क्या है, अगेन दैट इज अगेन पार्ट ऑफ मेथडोलॉजी। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर हम लोग ने देखा, बट इफ यू वॉन्ट टू अपडेट द मॉडल डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट, अगर आपको लगा कि नहीं मुझे मॉडल को अपडेट करना है, अब ये मॉडल हम लोग अपडेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे, तो इसके लिए फिर यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज दिए। आर द फिजिकल मॉडल्स अप्रोप्रिएट, मतलब जो भी आपको रिजल्ट मिले हैं तो उसमें जो भी आपका फिजिकल मॉडल है वो अप्रोप्रिएट था क्या, तो उसमें आप जो भी जो जो आपको चाहिए तो आप ये वैल्यूज उस मतलब ये क्वेश्चंस उसको पूछ सकते हैं। तो इज द फ्लो इज टर्बुलेंट, मतलब जो भी हम लोग का फ्लो था वो टर्बुलेंट था, अनस्टेडी था, आर द कॉम्प्रेसिबिलिटी इफेक्ट कुछ है क्या वहाँ पे, या फिर कुछ 3D इफेक्ट्स है क्या, सो दैट यू कैन फाइंड आउट ओवर दैट। देन आर द बाउंड्री कंडीशंस आर करेक्ट, मतलब जो भी मैंने बाउंड्री कंडीशंस दिए थे वो सारे बाउंड्री कंडीशंस प्रॉपर थे क्या।
तो अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है इन दैट केस यू कैन गो फॉर द अपडेशन ऑफ द मॉडल. ओके, एंड इज द मैश एडिक्वेट, मतलब जो भी हम लोग ने मैश दिया था वो सिग्निफिकेंट है क्या? अगर नहीं है तो हम लोग को उसको रिफाइन करना चाहिए क्या, या फिर अगर हम लोग को कुछ और मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं तो वैसे करना है क्या? तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे बेसिकली. ओके, सो दीज आर द व्हाट वी कैन से द अपडेशन. तो उसके बेसिस पे अगेन वी विल गो बैक टू द ज्योमेट्री. जहाँ पे भी आपको चेंजेस चाहिए वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे वो चेकआउट करेंगे, आई मीन वहाँ पे अपडेट करेंगे. सो इफ यू वॉन्ट द चेंजेस इन द मॉडल सो यू कैन डू इट ओवर देयर. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा जो फ्लो है वो ये. सो बेसिकली अगेन यू विल गो बैक टू दिस प्री प्रोसेसिंग. तो यहाँ पे क्या चेंजेस आपको रिक्वायर्ड है, तो अगर आपको लगा नहीं मुझे जियोमेट्री में चेंजेस करना है तो यू कैन डू इट ओवर देयर. ठीक है, आपको लगा नहीं मुझे किस में चेंजेस करना है, मैश में चेंज करना है तो मैश में कर सकते हो, फिजिक्स में करना है या सॉल्वर सेटिंग में करना है. तो जहाँ पे भी आपको ये प्री प्रोसेसिंग में चेंजेस करना है यू कैन अपडेट दोज चेंजेस एंड देन यू कैन गो टू द सॉल्व एंड अगेन यू कैन सॉल्व इट ओवर देयर. तो यहाँ पे जस्ट एक सिंपल जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है, सिंपल एक जस्ट रिजल्ट मैं बस दिखा रहा हूँ कि क्या कैसे होता है वो. एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे. पहले तो एंसेस फ्लुएंट के बारे में थोड़ा बात करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द रिजल्ट एंड कैसे उसको सॉल्व करते हैं. तो वो भी एक चीज़ हम लोग यहाँ पे वहाँ पे देखेंगे. ओके, सो बेसिकली दीज आर द रिजल्ट्स, दीज आर द स्ट्रीम लाइन्स ओवर देयर. तो स्ट्रीम लाइन्स में ये रेड कलर शोज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ब्लू कलर शोज द मिनिमम वेलोसिटी एंड ये यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है देखो. ओके, तो कैसे फ्लो जा रहा है एंड ऑल दैट सो दैट यू कैन फाइंड आउट ओवर देयर. ओके, सो बेसिकली दिस वॉज ऑल अबाउट द सी एफ डी, दैट इज अ कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स. वॉट इज द मीनिंग ऑफ सी एफ डी, वॉट आर द डिफरेंट what we can say the concepts involved in that. Okay, definitions and all that, parameters and all that, and then we have discussed about all the what we can say the methodology and all that. उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में यहाँ पे बात की है. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. इज देर एनी डाउट? ओके फाइन.